अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भाई लोग। आज देखिए हमारा उस्ताद आया है हम लोगों के पास मुलाकात करने के लिए और हाल चाल पूछने के लिए, और पतंग भी लेके आए हैं जो कि उस घर में रख दिया मैंने अभी। और उस्ताद को हमने कुछ उनका पुराना पतंग बराबर दर्शन करवा रहे हैं उनको ताज़ा करने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए ये पतंग गांठदार में बल्लारपुर पेपर में कनादा पहचान रहा, आप ही खुद बता दो कितना पुराना है। कम से कम 22-23 साल पुराना है, ठीक है ना। तब से ये पतंग हम आपका जाके हिफाजत करके रखे हुए हैं। इसमें उस्ताद प्रभास दा का भी मिला हुआ है जगह जगह में। ये देखिए कनादा की और भी मिलेगी, ठीक है ना। कनादा का रोना आ जाएगा देख के, अपना जवानी से भी बचपन मतलब दिल खुश हो जाएगा। देखिए ठीक है ना। तो हम लोग कनादा का इतना पुराना कस्टमर है और रिलेशन है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हम लोगों को मालूम है, आंखों से पानी आ जाता है। जबकि ये बात की कंप्रोमाइज़ हुई थी कि ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि कनादा का जो घर का लड़का है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा बात साफ़ है। लेकिन जो कलकत्ता में रहता ही नहीं है, जो पतंगबाज है ही नहीं, पौना पतंग कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों कह रहा है। लेकिन आज कनादा भी जानता है कि कनादा का पतंग हर शहर में ले जाके उड़ाना और उसके बारे में तारीफ करना, कनादा जानते हैं ये बात, है ना। कनादा हर शहर में उड़ाया ना, ये है बात। कनादा ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, कनादा का तबीयत अच्छी नहीं रहती है। नहीं लौंग मिर्चा का फक्की है, मिर्चा का फक्की लौंगकर गुड़ो। तो ऐसा समझ लीजिए हजारों का तादाद में, हजारों का, मैं जब भी कनादा आएंगे मैं उनको लेके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये बैग की उम्र लगभग 20 साल हो गई है, समझे। जगह जगह में कनादा की पतंग है इसमें। ये देखो कनादा की पतंग है, ठीक है। ये मिर्चे का फकी आप लोग देख सकते हो कि ये देखो कनादा की पतंग कितनी खूबसूरत। कनादा का चेहरे में खुशी देखो, पौड़ो लो कनादा के एकदम, दिखाओ दिखाओ हंसी देखो कनादा की पुरानी पतंग देखकर, ठीक है ना। इंसान हम लोग कनादा से तब पतंगबाजी कर रहे हैं जब ये लोग हाफ पैंट पहन के घूमता था होगा, समझे। ये बात है कितनी पुरानी पुरानी पतंग हम, अभी भी इससे भी पुरानी पतंग है मेरे पास, जो कि कनादा की पतंग मैं जहीर भाई से लिया करता था कभी कदर जब मैं खुद छोटा था। उसका शौक का हम तारीफ करता है, लेकिन जो नहीं उड़ाता उसके बारे में तो बोलेगा भाई उड़ाया ही नहीं है। अरे बड़ा बड़ा बात बोलते आपस में लड़ा दे रहे লোক ফায়দা নিচ্ছে কনাইদা কা কহনা হ্যাঁ ये प्रभास दा का। लेकिन कनादा का कहना है कि ये सफेद बल्लारपुर नहीं है, ये येलो बल्लारपुर था। इतना एक्सपीरियंस है इनको देखिए, ठीक है ना, बहुत एक्सपीरियंस है इनका। ये है बात, खैर भाई सालों साल का रिलेशन है, बीसों साल का रिलेशन है, लेकिन कोई एक महीना का रिलेशन में इतना बड़ी बड़ी बात कह रहा है कि सर के ऊपर से चले जा रही है बात, ठीक है, जिसकी कोई मर्तबा ही नहीं है, समझ लीजिए। एक महीना का थोड़ा सा बातों में आज कनादा के साथ हम लोग का फैमिली रिलेशन है, सबसे बड़ी बात है। बोदी इनका बेटी मतलब हम लोग का भतीजी, एक साथ का उठना बैठना, घर पे हम लोग का आना, हम लोगों का घर पे जाना, बहुत अच्छा रिलेशन है हम लोगों का। अभी आगे भी आप लोग का अपडेट देंगे, इनका पतंग जो है अभी हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे कुछ पतंगे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे तो बात ये है कि भाई साहब कनादा के लिए दुआ कीजिए आप लोग। कनादा बहुत अच्छे इंसान हैं और कोई भी कनादा को गलत मत समझिए। कनादा एक बीच में फंसे हुए हैं, एक मेरा दबाव और एक कनादा का लड़का जैसा इंसान है और उसका दबाव,
तो कनायदा को कोई गलत मत समझिए, कनायदा बिल्कुल जेन्युइन आदमी है। हमको मालूम है मेरा लोग भी गलत समझ रहे हैं, लेकिन कनायदा का कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना कनायदा? क्या बात किया है जी? कनायदा को कोई ब्लेम मत कीजिए, बेचारा पतंग बनाता है। अब रेट उनका ज्यादा है, फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा, उनका पतंग का रेट इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है कि वो मेहनत करते हैं। और ये भी बात है कि मैं कनायदा से अभी महंगा पतंग खरीदूंगा और मैं सस्ता में दूंगा, वो मेरी मर्जी है, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा मेरी मर्जी है। अब मैं क्या दाम में बेचूंगा नहीं बेचूंगा, ये लेके कल वीडियो में जो बोला गया ये भी गलत बोला गया है कि भाई क्या बात है भाई, ये सब गलत बात है। हम अपना मर्जी है, हम सब कारीगर का पतंग कम दाम में बेचेंगे, सब कारीगर का, जितना कारीगर महंगा उठाएंगे कम में बेचेंगे, मेरा मसला है। खैर आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बात खत्म।